नेक्स्ट अभी इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यस वी क्लास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. अभी हमारे पास एक डाइपोल है. डाइपोल क्या होता है ना ए बी. यहाँ पे प्लस चार्ज मान लेते हैं. यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज. लेंथ ना था भाई 2a. याद है कि नहीं है. एनी पॉइंट क्या हो सकता है. ये वाला पॉइंट वे. ये पॉइंट सी. डिस्टेंस आर मानी थी इसकी मैंने. ठीक है देखो भी क्लास आपको पॉइंट सी पे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल भी. अब इसका चार्ज पॉजिटिव है. आंसर पॉजिटिव के हिसाब से आएगा. इसका नेगेटिव है. नेगेटिव के हिसाब से आएगा. पक्की बात है. जब ऐड करेंगे तो एक चीज़ क्या होगी माइनस होगी यहाँ से भी. यस सर नो. मैं बोला कि जो प्लस का प्लस लिखा लिखी है माइनस का है तो माइनस का लिखिए उसको भी. अब हम डिस्टेंस को काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक की. इसको कुछ मान लेते हैं भाई. इट इज ए आर वन भाई. निकालनी पड़ेगी मेरे को ये. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भाई ये आर टू मान लेते. समझ में आ रहा है तुम लोगों को. डायग्राम नहीं बनाना भी जुट गया होगा है ना. कर लोगे. ये एंगल कितना क्लास. एनी एंगल थीटा भाई. एनी पॉइंट के लिए कर रहे हैं हम लोग. इससे हम क्या निकाल सकते हैं. एक्सिल भी निकाल सकते हैं. एक्सिल भी क्या और इक्विटोरियल भी निकाल सकते हैं. क्या आंसर आएगा. क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर. प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज जीरो. ये बात को प्रूव करनी थी आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्विटोरियल लाइन कितना होता है. जीरो होता है तीन नंबर के अंदर में. ये टॉपिक हो केस बनते हैं उसके ऊपर. टॉपिक करके केस बनाओगे आप लोग. कर लोगे तो करने का तरीका क्या. देखो भी क्लास सी को सेंटर मान लेते हैं. ओके और एक कंपास ओपन कर लेते हैं. इतना कंपास समझते हो. प्रकार भी प्रकार देखा होगा. सी को सेंटर माना. यहाँ पर रखा प्रकार को. यहाँ तक खोला प्रकार मैंने और एक आर्क लगा दी भी. लग गई. यस और नो. ये आर्क क्या कर रही है. इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो इस लाइन को काट रही है भी इस पॉइंट पे. यस और नो. समझ में आ रहा तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं. यहाँ से क्या लगा दिया कि आर्क लगा दी. इस पॉइंट पे काट दिया ने आर्क ने. कर लोगे. यहाँ से लाइन ड्रा करते हैं एक जो कि क्या होगी परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के भी. आर्क लाइन ड्रा करते हैं. इट इज परपेंडिकुलर. क्या होता है टेंजेंट होता हो. यस और ना. समझ में आई बात है. ये पॉइंट में एम मान लो. क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए सी और सी एम बराबर है. अरे ऐसा घूम रहा प्रकार तुम्हारा. हर जगह क्या घूमेगा. इक्वल घूमेगा भाई. सही है कि नहीं है. प्रकार देखा होगा. इसको ऐसे घुमा रहा हूँ. हर जगह बराबर वैल्यू होगी भाई. इट इज रेडियस भाई. सही है कि नहीं है. यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है बराबर है भाई. आए कि नहीं आए समझ में. दूसरी बात है सी को सेंटर मानो. अब सी को सेंटर मानो. ओके इतना खोलो प्रकार भाई. कंपास इतना ओपन कीजिए यहाँ पे यहाँ तक का भी. कर लोगे और एक आर्क लगा दो भाई. कब लगेगी आर्क बताओ. यहाँ पे आएगी. सही है कि नहीं है. ये इसको काटेगी इस पॉइंट पे आके भाई कहीं पे. कर लोगे. यहाँ से लाइन ड्रा करो. ये लाइन क्या देगी आपको परपेंडिकुलर भाई. सही है. यस और नो. इस पॉइंट को मैं एन मान सकता हूँ. क्या बोल सकता हूँ कि सी ये क्या था बी और सी एन बराबर है. सही है कि नहीं है. पूरा घुमरा प्रकार है से आपका. ये बात समझ में आई कि नहीं आई. ये पॉइंट हो मान लें. ये पूरा डाइपोल कितना होता है. डाइपोल 2a तो ए हो गया. ए हो गया. समझ में आया कि नहीं आया. अभी डायग्राम बनाऊंगे. लिखिए वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी
ए बी ऑफ लेंथ 2a, ए बी ऑफ लेंथ 2a, ओके, एंड सी इज द पॉइंट एंड सी इज द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच मेक एंगल थीटा विद डाइपोल. सही है. थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यूज भी, एनी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग आंसर. सारा कर लोगे भाई? तो इसको भी ये भी लिख सकते हो, लिखना हो तो आपको कंसीडर सी इज द सेंटर, एंड मेक ए आर्क ऑफ लेंथ आर टू. लिख सकता हूँ भाई, मेक ए आर्क ऑफ लेंथ आर टू एट पॉइंट एम भी. कहाँ पे बना दिया मैंने? एम पे आर्क लगा दी मैंने. एक कितने लेंथ का लगा दिया? आर टू का. भी समझ में आया? आगे लिखिए, कंसीडर, इसी में लिखो दोबारा से, कंसीडर सी इज द सेंटर एंड मेक ए आर्क ऑफ लेंथ आर वन, मेक ए आर्क ऑफ लेंथ आर वन एट पॉइंट टेन भी. एट पॉइंट एन. ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, अभी निकालते हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी भी. लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज भी, आपको सी पे निकालनी है भाई, इसकी वजह से निकालनी है, प्लस क्यू की वजह से. फार्मूला क्या बनेगा क्लास? वी वन ले लें इसको, कितना आएगा? 1/4 πε0 क्यू, प्लस का है तो प्लस भी. सही है भाई. डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है भाई? आर वन. सही लिखा मैंने. अब मैं ये ले सकता हूँ क्लास, देखिए आर वन इज इक्वल टू किसके भाई? आर वन इज इक्वल टू सी एन लिख सकता हूँ. बता दो, आर लगा रखी मैंने, आर वन बराबर किसके है? सी एन. ये बात सही है कि नहीं है? और मैं सी एन को क्या लिख सकता हूँ क्लास, बताओ? क्या इस पूरी डिस्टेंस में से ये माइनस कर दूँ, ये बच जाएगा. ले सकता हूँ सी ओ माइनस ओ एन भी. क्या मैंने सही लिखा? चेक करो एक बार, सही है कि नहीं है? ये डिस्टेंस निकालना है सी एन, तो पूरी डिस्टेंस में से सी ओ में से ओ एन माइनस कर दिया, ये बच गया भाई. यही है ना? क्या आपको पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ओ? यार ये हमको गिवन है भाई, ये पता नहीं मेरे को. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एन निकालना पड़ेगा भाई. इन द ट्रायंगल्स भी, कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं? बी एन ओ दिख रही है, बी एन ओ. यस और नो भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा भी? इस ट्रायंगल में बेस कौन सा है? ओ एन बेस क्यों है? दो एंगल बन रहे हैं, 90 और थीटा भी, स्मॉल एंगल से ये बेस है. ये क्या है इसका? परपेंडिकुलर. ये बच गया कौन? हाइपोटेन्यूज. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या लिखोगे इसको? ओ एन बाई ओ बी, ओ एन बाई ओ बी. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या आपको ओ एन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ओ एन बराबर है किसके भी? ओ बी कोस थीटा भी. और ओ बी किसके बराबर है क्लास? ए कोस थीटा. ये ए के बराबर है भी? डाइपोल का हाफ है. यस और नो? क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो? आर वन की वैल्यू कितनी आएगी? आर वन इज इक्वल टू कितना आएगा अभी? सी ओ कितना अभी? आर.
माइनस ओ एन कितना है, ए कोस थीटा। तो मेरे पास वैल्यू होगी आर वन की भी, आर माइनस ए कोस थीटा। समझ में आया टॉपिक भी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस और नो? क्या आप वी वन निकाल सकते हो? व्हाट द वैल्यू ऑफ वी वन? वी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, या सॉरी वन नहीं था ना, प्लस था भी, प्लस क्यू बाई आर वन कितना भी, आर माइनस ए कोस थीटा भी। ये बात समझ में आ रही है, आर माइनस ए कोस थीटा। एनी प्रॉब्लम क्लास भी? यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? बोल दो, आगे करते हैं। अभी इतना हो गया, अब निकालो आगे भी, रब करते हैं इसको। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब आपको माइनस क्यू की वजह से निकालना है इस पॉइंट के ऊपर भी, तो कितना वैल्यू होगा? सिंपल है भाई, वी वन इज इक्वल टू क्या लिखूँ, वी टू वाई नॉट वी वन, वी टू इज इक्वल टू क्या लिखें, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू टू, सॉरी क्यू टू नहीं है, माइनस क्यू। सही है कि नहीं? डिवाइड बाई आर टू, आपको आर टू निकालना पड़ेगा अभी। क्या मैं लिख सकता हूँ आर टू बराबर है किसके भी, सी एन सी एम भी, आर टू किसके बराबर है, सी एम के भी। ओके, यही आर्क है ना, सेम लेंथ का आर्क है ये। और सी एम किसके बराबर है, सी ओ प्लस ओ एम भी, चेक करो, सी ओ प्लस ए ओ एम भी। आपको सी ओ तो पता है, ओ एम निकालना है, फिर ट्रायंगल्स यूज करते हैं भी। इन द ट्रायंगल ए ओ एम दिख रही है, इन द ट्रायंगल ए ओ एम, इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा? अगेन बेस कौन सा भाई, ओ एम द बेस। ये कौन सा है, परपेंडिकुलर, ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखोगे इसको, ओ एम बाई ए ओ। सही है, ओ एम कितना आएगा, ए ओ कितना अभी, ए कॉस थीटा। सही है, यस और नो? ए आएगा ए कॉस थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टू भी, आर टू का वैल्यू कितना होगा, सी ओ आर प्लस ए कॉस थीटा भी। सही लिखा मैंने, यस और नो? आर प्लस ए कॉस ए थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी टू भी, क्या वी टू कितना आएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर प्लस ए कोस थीटा। सही है, दोनों के पोटेंशियल हमने निकाल लिए। क्या तरीका है, जोड़ देते हैं भाई सिंपली, वी वन प्लस वी टू, वही करते हैं। इतना हो गया अभी, एनी प्रॉब्लम क्लास? तो लिख लीजिए, हो गया इतना। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायग्राम रब कर दो भाई, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू कर दूं भाई, ऐड ही तो करना है, कर लोगे। पुटिंग द वैल्यूज, V वन कितना था भाई, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू था, डिवाइड बाई आर माइनस ए कोस थीटा, यही था ना भाई। माइनस ले सकता हूँ भाई, क्योंकि इसमें माइनस क्यों आएगा, देख लो वी टू में माइनस था, तो माइनस मैं बाहर ले लिया, कितना आएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए कोस थीटा। यस और नो? सही है, हो जाएगा भाई। तो कितना एलसीएम, सॉरी कितना कॉमन आया भाई, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा, वन बाई आर माइनस ए कोस थीटा माइनस वन बाई आर प्लस ए कोस थीटा।
सही है। एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम भी बता दो। यहाँ तक हो गया अभी, क्लास कंप्लीट। अब इसको सोल्व करते हैं बाय यूजिंग एलसीएम भी। कितना आएगा? वी इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना होगा? नीचे भी ले सकता हूँ, आर माइनस ए कोस थीटा इंटू आर प्लस ए कोस थीटा। सही लिखा मैंने? यहाँ पे क्या लिखूँ ऊपर भाई? आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस ए कोस थीटा। क्या सही लिखा मैंने भाई? क्लास बताओ, यस सर ना? यहाँ पे ये, यहाँ पे ये कर लोगे? ये किसका फार्मूला बनता है? ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का भी। क्या बनता है? ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर। कर सकते हैं फार्मूले को? तो कितना बनेगा? वी इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस को अंदर ले जाऊं भाई इक्वेशंस के, नीचे क्या बनेगा? आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा भी। क्या मैंने सही लिखा? ये फार्मूला बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का भी। सही है कि नहीं है? यहाँ पे आर प्लस ए कोस थीटा और ये माइनस अंदर ले जाता हूँ, माइनस आर प्लस ए कोस थीटा। क्या सही लिखा है? अरे बता दो, क्या बच गया भाई बताओ? हैं? V इज इक्वल टू क्यू बाई टू ए कोस थीटा। लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख दूँ? बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। समझ में आया भाई? ये क्यू इंटू टू ए क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है ये। तो वी इज इक्वल टू, इसको पी ले सकता हूँ, कॉस थीटा डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा भाई। दिस इज द आंसर भाई। कर पाओगे? सिंपल है भाई, हो जाएगा भाई। जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्रूव दैट ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज जीरो। ये प्रूव करना आपको भी। तीन नंबर में एक क्वेश्चन आया था अभी, तो केस कर लेते हैं इसके भी, ठीक। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा कितना हो? 90 डिग्री। किसका केस है ये? थीटा का 90 तो मतलब क्या इस बात का? सी पॉइंट कहाँ चला जाएगा? डाइपोल के परपेंडिकुलर भी। कौन सी लाइन होगी? इक्वेटोरियल लाइन है ये, लिख दो इक्वेटोरियल लाइन भी। लिखो इक्वेटोरियल लाइन, ये एक बुक में क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कितना लिखोगे? पी कोस 90 डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस 90। कोस 90 कितना होता है भाई? जीरो, वन जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग। तो V का वैल्यू कितना भाई? जीरो। ये प्रूव करना था भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। कर लोगे? सर केस टू डालिएगा इसका। केस टू, व्हेन थीटा इज कितना लिख दें? जीरो भाई। व्हेन थीटा इज ए जीरो, किसका केस है ये? एक्जी लाइन का है। सी पॉइंट कहाँ पे आ जाए? जीरो एंगल पे आ जाए अभी, पी के साथ भी। कर लोगे भी? लिखिए फोर एक्जी लाइन। केस टू है व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, लिख दो फोर एक्जी लाइन। कॉस जीरो के अकॉर्डिंग करो भाई क्लास, वी इज इक्वल टू पी कॉस जीरो बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉस जीरो भी। कॉस स्क्वेयर जीरो, स्क्वेयर था ना यहाँ पे, कॉस स्क्वेयर जीरो। कॉस जीरो क्या होता भाई? वन। तो वी इज इक्वल टू ऊपर पी बच गया डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर भी। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्जी लाइन भी। कर पाओगे? टॉपिक कंप्लीट भी, किसी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये एनी पॉइंट का आंसर अभी कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग का भी आंसर आएगा वही बनेगा आंसर्स। कर लोगे अभी? अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से चल रहा है इक्विपोटेंशियल, ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हर जगह पे बराबर हो, तो क्या बोलते हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो सेम। कर लोगे? सिंपल लिखिए, सिंपल डेफिनेशन के अंदर लिखो द सरफेस वेयर, द सरफेस विच हैव, द सरफेस विच हैव इक्वल वैल्यू ऑफ, द सरफेस विच हैव इक्वल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इक्वल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो बराबर हो। देखो एक इस तरह के टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, एक इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है कि नहीं है, कि हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या हो बराबर हो, उसका मीनिंग था कुछ भी, ऐसी बात नहीं कि हर जगह बराबर होनी चाहिए भी। देखो अपने पता होगा पोटेंशियल का फार्मूला हमारा बना था 1/4 πε0 q/r, भाई सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, पोटेंशियल डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर भी, भाई दूर जाओगे पोटेंशियल कम हो जाता है, ये सर ना, चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ जाता है, ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? तो बराबर कैसे हो सकता है भाई हर पॉइंट के ऊपर भी है? मान लेते कोई पॉजिटिव चार्ज है भाई क्यू, इससे कोई कोई फील्ड तो होगा, यस आर नो? अब देखो उसका मतलब क्या है अभी, आर डिस्टेंस मान लेते यहाँ से यहाँ तक का है अभी, तो इस पॉइंट पे आर यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट पे, यानी मैं इक्वल डिस्टेंस पे एक सरफेस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर एक सरफेस बनाता हूँ, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी? देखो भाई यहाँ पे चार्ज सेम है उसके लिए, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है सेम है, ये है भाई, लेकिन अगर एक डिस्टेंस और बना लिया मैंने, एक सरफेस ये है, अब ये बताओ मेरे को कि क्या इस पे इस सरफेस पे हर पॉइंट पे सेम वैल्यू होगी पोटेंशियल की? बिल्कुल होगी भाई। क्या इस सरफेस की पोटेंशियल और इस पोटेंशियल बराबर होगी भाई? नहीं हो सकती। तो कौन सा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कौन सा है? ये वाला है, ये भी है और ये नहीं है, इस पे सेम वैल्यू होगी, इस पे भी क्या होगी सेम वैल्यू होगी, बट इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी भाई, यस आर नो? तो ये वो सरफेस है जहाँ पे पोटेंशियल वैल्यू बराबर हो तो क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको पता है कि वी डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे और रेडियस पे, सॉरी रेडियस नहीं है, आर डिस्टेंस है भी, ये वैल्यू बराबर होंगी तो वैल्यू बराबर होगी भी। समझ में आया कि नहीं आया भी? बता दो। मान लेते हैं, लिख लीजिए, लेट वी हैव ए, लिखो लेट वी हैव ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी हैव ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई भी सरफेस है। अभी इस पे दो पॉइंट मान लेते हैं, अभी पॉइंट ए है पॉइंट बी है भी। पोटेंशियल ए का वी ए मान लेते हैं, इसका कितना है वी बी। कर लोगे? आपको याद हो फार्मूला, मेरे को चार्ज को लेके जाना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी, याद है कि नहीं है? फार्मूला क्या बना था, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट, कुछ याद है कि नहीं है अभी? इसको लिखा कैसे था हम लोगों ने, वी बी माइनस वी ए बी, वी बी माइनस वी ए, याद है कि नहीं है अभी? अगर एक भी पोटेंशियल सरफेस है तो पक्की वैल्यू है भाई, वी ए और वी बी बराबर होने चाहिए अभी, सही है कि नहीं है? अगर मैं इसको मान रहा हूँ इट इज एक भी पोटेंशियल सरफेस, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी वी ए और वी बी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है इसका। अगर ये बराबर हो गया तो वर्क कितना हो जाएगा अभी, जीरो होगा कि नहीं होगा भाई? ये जीरो हो गया, वी बी बराबर है वी ए, बराबर में माइनस किया गया है, आंसर क्या हो गया जीरो।
जीरो इंटू समथिंग, तो वर्क कितना बच गया भाई। यानी सीधी सी बात यह है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आपको कोई चार्ज को चलाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको उसके लिए, जीरो वर्क करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बता दो जमाई नहीं ला रहे, बैठे बैठे पीछे हम बढ़ ला रहे, समझ में आओ है, आओ है, देख ले मैंने क्या लिखवा था भाई। लेट वी हैव ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो लिखिए भी ये लाइन लिखिएगा, उसके बाद वी ए बी, ये बनाइए डायग्राम आप लोगों ने, ये बता दो, लिख दिया इतना, डब्ल्यू बराबर कितना हो गया जीरो, लिखो लैंग्वेज में लिखिए इसको, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज जीरो, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है क्लास से, ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस, भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तीन चार कंडीशन है वो दे रखी इन्होंने, तो पहला पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट फोर पॉइंट चार्ज भी, आपको पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है, सिर्फ ड्रा करना भी एक नंबर के लिए, फरीका नंबर है ये, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है अभी, दिस इज प्लस क्यू चार्ज भी, जब प्लस का चार्ज है तो क्या देगा अपने अंदर से, लाइंस निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, लाइन निकलती हैं कि नहीं है बताओ, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस भी, सही है कि नहीं बता दो, ओके भी। इस चार्ज से क्या करोगे आप लोग, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट बनाते हैं भैया, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर, और इनको मिला दो भाई, जो मैंने डॉट लाइन से ड्रा किया है, एक सफियर ड्रा किया है, ये सफियर की सर्कल है भाई, एक पॉइंट चार्ज है क्लास, यहाँ पे पॉइंट चार्ज दिया, चारों तरफ लाइन देगा भाई, ड्रा करके देखो एक स्फीयर बनेगा भाई पूरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो स्फीयर का सरफेस होगा ना भाई, ये क्या है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई, समझ में आया। और इक्वल डिस्टेंस पे ड्रा करते हैं, ये भी क्या है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई, यस और नो, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या है, बराबर नहीं है अभी, बस ये बात समझ में आती है। इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, बराबर है, इस पे भी क्या है, बराबर है, लेकिन इसकी रिस्की बराबर नहीं है भाई, क्योंकि आर पे डिपेंड करता है, यस और नो। तो सिंपल एक नंबर डायग्राम बनाना ये वाला भाई, ये डॉट लाइन दिखाई है लोगों ने, डॉट लाइन, ये क्या है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ड्रा करो, ड्रा करना हो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड पॉइंट डालिएगा, फोर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड की कुछ खासियत थी, इसको रिप्रेजेंट किया गया था बाई पैरेलल लाइंस, कुछ याद है कि नहीं है बता दो, ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव, इस तरफ कौन सी प्लेट रखी गई होगी पॉजिटिव, तो एंड कहाँ पे होगा नेगेटिव, इस तरफ कौन सी प्लेट रखी गई होगी नेगेटिव प्लेट्स पे, यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसे बनाओगे बताओ, मेरा हाथ है भाई, ये हाथ यहाँ पे देखो, कैच पॉइंट पे हर जगह पे पोटेंशियल वैल्यू सेम है, यहाँ से डिस्टेंस बराबर है इसके लिए, समझ में आ रहा है, ये वाला यानी बहुत ज़्यादा, एक सीट है प्लेन सीट, किसको दिखाएगी, रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, सॉरी रिप्रेजेंट द इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, मेरा हाथ है भाई, मेरा हाथ इस चार्ज के लिए इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये जो इस पे हर पॉइंट पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी सेम होगी, सही है कि नहीं है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से भी, समझ में आया कि नहीं आया, जस्ट ए सिंपल प्लेन सीट भी, यस सर ना, पेज है ना, पेज की तरह भी,
हो जाएगा भी सेम। यहाँ पे कर दो एक और रिप्रेजेंटेशन, ये बनाने का तरीका है भाई। इस सरफेस के ऊपर ए बी सी डी के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी बराबर, इस पे भी होगी सेम भाई, बट इनकी इनकी बराबर नहीं होगी भाई। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? यस सर ना। थर्ड पॉइंट है फोर डाइपोल, डाइपोल के लिए ड्रा करना हो तो भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब डाइपोल में प्रॉब्लम क्या देखिए, हमारे पास दो चार्ज होंगे भी, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा नेगेटिव चार्ज, सही है। आपको पता होना चाहिए लाइंस ऐसे जाती हैं भी, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, याद है कि नहीं है? डाइपोल में दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऐसे, अरे कुछ याद है? कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगी, ये बात पक्की है। बस क्या होंगी लाइन, लेंथ के अकॉर्डिंग सिकुड़ गई है, सही है कि नहीं है? अगर आपको ड्रा करना पड़े इसका भी, इसमें बच्चे गलती करते हैं, बुक बुक का देख लेते हैं लेकिन ध्यान से नहीं देख पाते बुक में भी। एक भी पोटेंशियल की लाइन में स्पेस अलग अलग होते हैं भी, ये दिखाता है अट्रैक्शन को दिखाता है भाई बिटवीन अनलाइक चार्जेस भी, सही है कि नहीं है? ड्रा करो कैसे होगा ड्रा बताइए मेरे को, आपके अकॉर्डिंग कैसे ड्रा करोगे? एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसे ड्रा किया हम लोगों ने, एज ए स्फीयर भी जिसकी हर डिस्टेंस क्या थी बराबर थी भी, यस और नो? इसके लिए करें तो बता दो यार क्या क्यों मेरा इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ भाई, लाइन नहीं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे, मैं लाइन नहीं दिखा रहा, सिंपल बना रहा हूँ। इसकी कैसे ड्रा करते हम लोग, सर्कल भी ऐसे, या सर नो? इसके भी सर्कल, सर्कल सर्कल क्या कर आपस में क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस तो करवाने नहीं है, सही है? तो कैसे करोगे? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिंग कम है अभी और यहाँ पे स्पेसिंग क्या है ज़्यादा है, ये दिखाता है अट्रैक्शंस को भी, इक्वल स्पेसिंग नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी दोनों का नेट निकालना है भी आपको, एक प्लस एक माइनस का, तो रिजल्ट कुछ और ही आएगा भाई। ये ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, ये बराबर हो सकते हैं, हम टाइपल में क्या लेते हैं मोस्टली बराबर ही लेते हैं, तो स्पेसिंग की वैल्यू क्या है बराबर नहीं होती भी। ये ध्यान से रखिए इसको, इसको यहाँ बना सकते हो क्या, इस लाइन में को यहाँ बना सकते हो उठा के? कैसे बनाओगे? रेड पेन ले, तुम्हारे पास रेड पेन है? रेड पेन से बना लो, घर पे बना सकते हो रेड पेन से, स्पेसिंग दिखनी चाहिए अलग अलग भाई, सही है कि नहीं है? हर एक के लिए स्पेसिंग अलग दिखनी चाहिए, इस तरफ ज़्यादा दिखनी चाहिए, पीछे वाली कम दिखनी चाहिए, ऐसे। ये जो हम डॉट लाइन बनाई है ये क्या है एक्चुअल में, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं।